Good morning, students. Today I am here with you on another topic of chapter 6, combustion and flame, and that is impact of burning fuels on environment. यानी जो भी fuels burn हो रहे हैं उनका हमारे environment पे, हमारे वातावरण पे क्या प्रभाव, क्या impact हो रहा है. Clear? As we all know that whatever the fuels we are using, that causes pollution, उससे pollution होता है, ठीक है. So today we will discuss about that. Clear? Starting from our first point I have written SPM. SPM means suspended particulate matter. It means जो भी हम fuels burn करते हैं जिनमें कार्बन कंटेंट्स होते हैं, वो कंटेंट्स आफ्टर बर्निंग वो एसेस के फॉर्म में, रेजिड्यू के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में जैसे ऊपर चले जाते हैं, स्मोक के फॉर्म में, ठीक है. एंड इन एनवायरनमेंट दे गेट सस्पेंडेड, वो पार्टिकल्स के फॉर्म में सस्पेंड करते रहते हैं. क्लियर? दैट इज वेरी डेंजरस फॉर अस. They causes pollution in our environment. Clear? Second thing is addition of CO2. जब भी कोई भी फ्यूल हम बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें कंबसन के बाद क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. दैट इज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू that during combustion carbon dioxide will be produced. Clear? So ये carbon dioxide क्या होता है कि धीरे धीरे जब increase करता है हमारे environment में तो that leads to global warming. वो global warming को lead करता है. Clear? And we all know that global warming is much dangerous for all of us. It harms the nature environment in a serious way. नेक्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्यूल्स गेट कंबस्ट इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन और एयर. जब ऑक्सीजन या एयर की सप्लाई जो है वो इनसफिशिएंट होगी और कंबसन का प्रोसेस होगा तो उस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. एंड it can cause death if we are going to breathe it. यदि हम इसको breathe in कर लेते हैं then it leads to death. Clear? Sulfur dioxide it comes from coal. ये coal से होता है क्योंकि coal में sulfur present होता है, ठीक है. और वो sulfur जब burn होगा तो वो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में एनवायरनमेंट में जाता है. वहां जाने के बाद ये वाटर के साथ मिक्स करता है वेपर्स में और उसके साथ मिक्स होने के बाद ये एसिड रेन के फॉर्म में वापस अर्थ पे आता है. एंड जो ये एसिड रेन होती है दैट विल हार्मफुल फॉर अस, आवर मोनूमेंट्स हमारे लिए भी हार्मफुल है और जो मोनूमेंट्स हैं उसके लिए भी हार्मफुल है. I had already told you in your previous class, I mean class 7th, that acid rain is much injurious for all of us and our monuments. That's why our guardians, our parents warn us not to go into the rain if it's first rain of the season. जैसा कि हम लोगों की पहली बारिश में नहाने के लिए हमारे parents या guardians मना कर देते हैं कि नहीं आप मत जाइएगा, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उस वक्त जो वाटर आता है उसमें जो एसिड का रेशियो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है एंड दैट इज हार्मफुल फॉर अस. क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड लेड कंपाउंड्स. दीज टू वी ऑब्टेन फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ इंजन्स. ये हम एग्जॉस्ट ऑफ जो इंजन्स होते हैं व्हीकल्स के, उनके जो एग्जॉस्ट होते हैं उनसे ये प्रोड्यूस होता है.
क्लियर। और लेड कंपाउंड्स को जैसे हम प्रिवेंट करने के लिए कि बहुत ज्यादा न प्रोड्यूस हो लेड कंपाउंड्स, उसके लिए हम अपने व्हीकल्स में देखेंगे कि अनलेडेड पेट्रोल का यूज करते हैं। क्लियर, जो पेट्रोलियम इंजन्स होते हैं उनको रन करने के लिए हम लोग अनलेडेड पेट्रोल का यूज करते हैं। क्लियर, टू मोर थिंग्स आर विद अस, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम पेट्रोलियम टैंकर्स। जैसा कि हमने बताया कि पेट्रोलियम हमें ऑब्टेन होता है क्रूड ऑयल के फॉर्म में, एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, इसके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यदि ऑयल स्पिल्स जो है वो ओशन में या किसी रिवर बॉडी में मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, सो दैट कॉजेज मच इंजरी टू द एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ये बहुत ही हार्मफुल होता है। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, एज वी ऑल नो दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इज मच यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वाटर स्टोर होता है। बट वन थिंग इज दैट बिकॉज ऑफ डैम्स, वहां पे जहां पे भी जिस एरिया में भी डैम्स बनना होता है वहां का फ्लोरा एंड फौना, मीन्स हम कह लें कि वहां का हैबिटेट पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है, वहां के घरों को नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एंड इतना तो लॉस होता ही है, बट इसके साथ साथ एक और चीज है कि डैम्स के आसपास का जो एरिया होता है वहां पे अर्थक्वेक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स ऑन एनवायरमेंट, एंड वी हैव टू डू वन थिंग, हमें एक काम करना है बस, हमें फ्यूल्स का कंजप्शन रोकना नहीं है, फ्यूल्स को यूज करना है बट इन अ ज्यूडिशियस वे, एक अच्छे तरीके से, एक ऐसे वे में हमें यूज करना है जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री रख सके और जो फ्यूल्स हमारे पास अवेलेबल है उनका अच्छे से हम यूज भी कर सके। क्लियर, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू हैव टू मेक योर नोट्स विद हेल्प ऑफ दीज टॉपिक्स, यू कैन एक्सप्लेन इट ऑल्सो in notes needs to explain little bit more. Clear? So thank you for everyone. Have a nice day.